नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बहुत पहले, मे बी 3-4 मंथ पहले, मैंने एक वीडियो डाली थी जब मैं अपने ससुराल में थी, यानी कि गांव में थी, उत्तराखंड में। तो वहां पे मैंने रोटने वाली वीडियो डाली थी, तो मुझे उस पर कमेंट आए थे कि रोटने कैसे बनते हैं। उत्तराखंड का ये कल्चर होता है, जब भी कोई बेटी या बहू तो नहीं, जब भी कोई बेटी अपने मायके आती है तो उनको ये मतलब मिठाई के तौर पे ये बना के दिया जाता है। तो मुझे उस वीडियो पे कमेंट आए थे कि हमें रेसिपी जाननी है रोटना वाली कैसे बनती है। तो आज मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं आई हूँ अपनी दीदी के घर, यानी कि फरीदाबाद में आई हूँ। तो यहाँ पे दीदी भी बना रही है, कल मुझे जाना है तो वो भी बना रही है। वैसे तो गाँव में ही मतलब बनता है, बट हम गाँव से ही जुड़े लोग हैं तो हम यहाँ पे भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर को। तो मैं आज आप लोग के लिए ये खास वीडियो लेके आई हूँ। जिन भी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रोटना कैसे बनते हैं, तो आज मैं उन लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ रोटना कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए, वीडियो में आप लोग बने रहे, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, तभी जाके आप लोग को पता चलेगा कि कैसे ये रेसिपी यानी कि ये रोटना बनते हैं। तो गाइस, रोटाना बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आटा चाहिए। तो यहाँ पे मे बी 3-4 कटोरी आटा है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने आटा निकालना है, गेहूं का आटा निकालना है। उसमें आप लोग देख सकते हैं सौंफ डाल दी है, इलायची पाउडर आप लोगों ने डालना है। तो हम लोग यहाँ पे इलायची को थोड़ा सा कूट रहे हैं और वैसे ही डालेंगे। और साथ में इसमें शायद से तेल डाला हुआ है, तेल से थोड़ा सा इसमें आपने रिफाइंड का तेल डाला हुआ है, रिफाइंड का तेल आप लोगों ने डालना है। यहाँ पे आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट तेल का करोगे तो अच्छा बनेगा। और आधा ग्लास आपको इसमें दूध चाहिए, कोई भी दूध आप लोगों ने लेना है। इसके अलावा आप लोगों को मिठास के लिए इसमें गुड़ या फिर चीनी लेनी है। अगर आप लोग गुड़ वाला बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने किसी भी बाउल में गुड़ को उबाल देना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को उबाल देना है, मतलब यानी कि गुड़ का पानी बना देना है। अदरवाइज आप लोग चीनी का बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम चीनी वाला बना रहे हैं, तो इसमें आप लोग को चीनी दिख रही होगी। तो हमने ये 4-5 कटोरी चीनी इसमें डाली हुई है और ये गुनगुने पानी में हमने थोड़ा डाला हुआ है ताकि जो चीनी है वो हमारी गल जाए। अदरवाइज आप लोग चीनी, पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, बट पिसी हुई चीनी का उतना स्वाद हमें नहीं लगता है तो हमने ऐसे डाला हुआ है। और उसके बाद हमने ये जो सूखा नारियल होता है उसे कद्दूकस करके इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद गाइस, जो ये आटा है उसे हमने अच्छे से गूंथना है, उसी पानी से गूंथना है, चीनी वाले पानी से। उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे और इसे टाइट हमने गूंदना है, यानी कि गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत टाइट इसको गूंदना है। तो चलो इसको गूंथते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, आप लोगों ने जब भी ये सारी चीजें डाल देनी है उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छे से अपने दोनों हाथों से अच्छे से मसलना है ताकि जो ये है आटा ये सॉफ्ट हो जाए। अभी आपको पता है आटा खुरदुरा सा हो रखा है तो इसके सॉफ्ट होना है। तो जैसे आप लोगों ने गुजिया अगर बनाई होगी तो गुजिया में जिस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा, पहले उसका जो आटा है उसे अच्छा से मसला जाता है हाथ पे, उसी तरीके से इसे मसलना है फिर इसे गूंथना है। तो चलो, जब तक ये गूंथता है उसके बाद मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ आगे का। तो गाइज, आटा इसका ऑलमोस्ट गूंथ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा टाइट गूंदा हुआ है आटा, ये देखिए। और अब हमने इसकी छोटी सी लोइयां बनानी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास है, इसको गढ़वाली में बोलते हैं छाप, बोलते हैं छाप हमारी लैंग्वेज में, इसको छाप बोलते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं इस पर डिजाइन बने हुए हैं, इस पर डिजाइन बने हुए हैं। हमने गोनी को इसके मतलब जो गोली होती है, आटे की गोली होती है, उसको इसके बीच में रखना है और इसके ऊपर से इसको प्रेस कर देना है, ऐसा दबाना है, फिर ये जो छाप है उससे थोड़े से चौड़े बन जाते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, इस तरीके से हमने इसको बनाना है। और अगर आप लोग बनाना चाहते हो ये चीजें तो ये आप किसी भी मतलब जहाँ पे ये बनता है ना, ये जैसे बेड वगैरह जहाँ पे बनते हैं वहां पे आप लोग इस तरीके का बता सकते हैं और वो इस तरीके से बना सकते हैं, बना देते हैं, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में, मुझे नहीं लगता ये मार्केट में मिलते होंगे, पहले तो नहीं मिलते थे बट अभी मुझे पता नहीं है मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास तो गांव से ही हम लोगों ने ऐसे ही बनाए हुए हैं जहाँ पे बेड वगैरह बनते हैं, जहाँ पे लकड़ी का काम होता है। लेकिन अगर आप लोगों को बनाना है तो आप लोग देख सकते हैं, क्या पता मार्केट में अब ये मिलने शुरू हो गए होंगे। तो चलो, अब स्टार्ट करते हैं, आटा हमारा गूंथ चुका है, अब थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं रोटना बनाना और देखते हैं कैसे रोटना बनते हैं। तो गाइज, अभी हमने यहाँ पे तेल रख दिया है गर्म होने के लिए और तब तक हम इसको, ये देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने ये आपको बताया था जिन्हें हम छापा बोलते हैं, रोटना छापा बोलते हैं इनको, तो इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हमने इसमें गोली मतलब जो गोनी है आटे की वो इसमें डालना है और फिर इसको इस वाले से पुश करके दबा के चौड़ा करना है। तो चलो हम बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वास्तव करता है ना।
तो गाइज इतनी इतनी हमने गोनी बनानी है, आप देख सकते हैं छोटी सी हमने गोनी बनाई है। तो इसे सबसे पहले माही करेगी। तो माही चलो इसको करो, लो इससे इसको दबाओ, इसको थोड़ा सा ऐसा करना गाइज, ऐसा दबाना है और फिर ये जो छोटा वाला है इसके ऊपर रखना है। और पुश करो माही, दबाओ यहाँ और तेज दबाओ, और तेज दबाओ, दबाओ माही और दम लगा के हईशा बोलना नहीं, छोड़ माही आप छोड़ दे, इसको उठाओ, नहीं तो ऐसे उठाना नहीं बेटा। ये देखो माही ने इतना छोटा सा बना रखा है क्योंकि छोटा है, तो अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करूंगी। रुक जा डॉली, बड़ा करने के लिए मैंने ये वाला ले लिया इधर से, और इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसको इस तरीके से हमने पुश करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे दबाना है चारों तरफ दबाना है, और ये देख सकते हैं आप लोग जो ये होता है रोटी ना हमारे, इन पे देख सकते हैं आप लोग दोनों साइड से मतलब जो ये है ना इनका डिजाइन ये आ चुका है। देखिए अभी पहले हम इन सारे को ऐसे बना देते हैं, उसके बाद तो अभी हमारी दोनों जो छोटी बच्चियां हैं ये दोनों रोटना बना रहे हैं। चलो बनाओ बनाओ, डॉली ऐसे पुश करो इसको अच्छे से दबाओ, माही यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख के करो बेटा ऐसे ऐसे रखो। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसने बहुत अच्छा इस पर डिजाइन निकाल दिया है। ये देखिए माही आपको दिखाओ, नीचे इसको ऊपर खींचो, नीचे वाले खींच करो, हाँ ये देखो माही का बड़ा अच्छा डिजाइन है, माही ने भी बड़ा अच्छा बना दिया है। तो दोस्तों ये हम पहले इसको बनाते हैं, अभी देख सकते हैं आप लोग तीन हमने बनाए हैं, अभी ये यहाँ पे डो पड़ा हुआ, तो हम इसको फटाफट से बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इनको तलना भी होता है तो बताती हूँ कि तलने के बाद ये कैसे होते हैं, मतलब आपको पूरा प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने छाप लिए हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया था गोली रख के ऐसे हमने छाप लिए हैं। तो अब हम इसे तलने जा रहे हैं, और यहाँ पे तेल चढ़ा लिया है, तेल में आप इसको डालेंगे, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए पहले आपने तेल को फुल कर लेना है, उसके बाद आपने इसको लो फ्लेम पे कर देना है ताकि एकदम से जले ना, क्योंकि तेल ज्यादा गर्म हो जाता है तो एकदम से जल जाती है कोई भी चीज। इसे एकदम से हमने पलटाना नहीं है, बट ये पहले बार में हम डाल रहे हैं मेरा तेल में, तो तेल थोड़ा गर्म है तो इसलिए हमें एकदम से इसको पलटाना होता है, नहीं तो अदरवाइज ये पीछे से जल जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग तेल गर्म था तो ये पक गया और फूल भी गया अच्छे से। आप लोग चाहें तो गाइस इसमें सोडा मिला सकते हैं, बट कई लोग मिलाते हैं कई लोग नहीं मिलाते हैं, जिनको थोड़ा फूला हुआ चाहिए होता है तो सोडा मिलाते हैं, अदरवाइज हम नहीं मिलाते हैं। और हमारी लैंग्वेज में इसे आटे के बिस्किट भी कहा जाता है, कई लोग तो रोटाना बोलते हैं, जैसे पहले टाइम के लोग तो रोटाना ही बोलते हैं, मिठाई बोली जाती है इसे एक लड़की को देने के लिए, जो ससुराल देने के लिए मिठाई बोली जाती है उत्तराखंड में, बट आजकल के टाइम पे बच्चे इसको या फिर हम लोग इसको आटे के बिस्किट बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रंची होते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये पक रहे हैं अच्छे से, आप लोगों ने इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, क्योंकि आपको पता है आटा अगर हम ऐसे ही गोल्डन हो गया और हमने निकाल दिए हमें लगेगा कि पक गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा, हमें इसे अच्छे से अंदर तक पकाना है, जब हमें लगेगा कि अंदर तक पक चुका है फिर हमें इसे निकालना है, ऐसे ही एक ही साइड पक के या फिर दूसरी साइड पक के एकदम से हमें नहीं निकालना है, नहीं तो ये फिर कच्चे ही रहते हैं। तो यहाँ पे तीन लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे बना रहे हैं इन गोली, और हमारे ये रोटाना बनाने वाले ये हैं। तो अभी ऑलमोस्ट ये बन गए हैं, हम इसे निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। देखिए आप लोग ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे पकोड़े तल रहे होंगे, बट बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं ये। गाइज आप लोग देख सकते हैं जो हमारे ये रोटना है ये बनके रेडी हो चुके हैं, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि आप लोग सोचेंगे कच्चा होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी,
ये देखिए गाइस आप लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इसमें डिजाइन भी बन गए हैं और आगे भी डिजाइन है पीछे भी डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये देखिए अगर मैं आपको फोड़ के दिखाऊं अभी तो ये देखिए मैंने तोड़ के आपको दिखा दिया है और आप लोग अंदर देख सकते हैं बिल्कुल भी कच्चा नहीं है आटा, पक चुका है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे तो पर्सनली ये अच्छे लगते हैं, बट अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये ऑयली होते हैं तो इस वजह से मैं इसे कम ही खाती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से आपने रोटाना बनाना है गाइस। अगर आपका कभी भी मन करे मिठाई खाने का और मिठाई ना खा पाओ आप, तो आप इसे घर में बना सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। और अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग कहीं और भी किसी और भी कल्चर के हैं तो आप इसको जरूर खाएं। तो गाइज ये है वो रोटाना जिसकी रेसिपी मैंने आपको अभी बताई, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आप लोग किसी भी स्टेट के हो और आप लोगों का मन करे किसी और स्टेट के मतलब कोई भी नई चीज बनाने का, तो आप लोग उत्तराखंड के कल्चर का ये बना सकते हैं रोटाना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और यम्मी होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये बनते क्यों हैं, किसी बेटी को अगर ससुराल जाना होता है तो मतलब मिठाई के तौर पे पहले जमाने में इसे दिया जाता था, तो ये कल्चर चलता आ रहा है, अभी हमारे टाइम पे भी ये बेटियों को दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग इसे बना सकते हैं, आप लोगों को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा, आपको बहुत ही ज्यादा इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज ये थी आज की मेरी रोटाना बनाने की रेसिपी की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अभी रोटाना हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी हम और बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग हमारे दो छोटे बच्चे वहाँ पे हमारे मेहनत कर रहे हैं, साथ में जीजा जी के हाथ में भी देख सकते हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो चलो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रोटाना वाली रेसिपी की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को भी कोई नई चीज बनाने का मन करे किसी और देश किसी और स्टेट का, तो आप लोग उत्तराखंड के स्टेट का ये रोटाना रेसिपी बना सकते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलो मिलूंगी आपको बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को। तो मिलूंगी आपको बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय।